आप में से काफ़ी सारे बच्चे कोटा आने के बारे में सोच रहे हैं। जब बच्चे आप लोग कोटा आ रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में दो तीन चीज़ें चल रही होती हैं। पहली चीज़ कि हमको कहाँ पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सेकेंड थिंग होती है बच्चों आपके दिमाग में कि हमें रहना कहाँ है, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या मैं उस एटमोसफेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होती हैं और थोड़ा बहुत सेटल होने में आपका थोड़ा बहुत समय चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने आ रहे हो, जेई और नीट के लिए, वहाँ पे हर एक सिंगल सेकंड आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज एक एक्स जेई एस्पिरेंट से बात करने वाला हूँ कि जब उन्होंने अपनी तैयारी की थी तो उन्होंने किन किन चैलेंजेस का फेस किया था। एंड मैं जो है बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम कोटा के अंदर आते हैं तो कोटा में आने से पहले हमें ये तो पता होता है कि जाना है इस कोचिंग में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के सर्वे कर चुके होते हैं एंड हम हमारे फ्रेंड्स से जो है सजेशन ले चुके होते हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव मिल जाता है जो हमें बता देता है कि यार इस कोचिंग को ज्वाइन करना। इन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है कि कोचिंग कौन सी है, बट हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं किस जगह पर रुकूँगा। ठीक है, इस चीज़ के चुनाव करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। खैर मेरे साथ सर ये दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि मैं खुद कोटा का रहने वाला हूँ, तो मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, तो वो स्टडी का जो एनवायरनमेंट था पेरेंट्स के साथ रह के बहुत इजीली बन जा रहा था। बट जब यहाँ बच्चा आता है तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसके हॉस्टल में मिलता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 30% 40% टाइम वहाँ पर डिवोट करते हैं, रेगुलरली अपनी बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होती, कभी 2 लेक्चर कभी 3 लेक्चर होते हैं, बट जो बचा हुआ टाइम है उसका क्या, वो बचे हुए टाइम को अगर हम प्रॉपरली अरेंज कर पाएँ और रहने की एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये जो चीज़ है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आ गए हैं। एंड ये जो चीज़ है जो हम आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आए हैं ये है गुरुकुल। तो वी वेलकम यू टू गुरुकुल, आइए सर। सर आप हमें गुरुकुल में तो लेके आ गए, सर बाकी यहाँ पे और भी हॉस्टल्स हैं और भी पीजी हैं, उनसे अलग गुरुकुल कैसे है, मतलब आप ऐसी क्या सर्विसेज बच्चों को दे रहे हैं। आपने जैसा बोला कि आप लोकल गार्जियन होंगे, नो डाउट वो अपने बच्चों को सपोर्ट देंगे, ठीक है, उसके अलावा भी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल हॉस्टल से इस हॉस्टल को अलग बनाती है। बहुत अच्छा सवाल है आपके सर। नो डाउट्स कि बहुत सारे हॉस्टल्स कोटा के अंदर बने हुए हैं एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एकेडमिक लेवल पे बच्चों के टच करने होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, एकेडमिक लेवल पे जो चीज़ें हम टच कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, 40% ऑफ द टाइम आपका कोचिंग में निकल गया, वो 60% ऑफ द टाइम आप हॉस्टल में, आप उसे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों की मेंटरशिप रहेगी। ठीक है, तो मेंटरशिप के अंदर आपको यहाँ पर जो है एकेडमिकली टीचर्स मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, देन इसके अलावा जो है एक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है, जब भी बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको रास्ते में अपने बहुत सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशन मिलते हैं। अब इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में बहुत बार जो है उसे स्ट्रेटेजी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वैसे मोटिवेशनल सेमिनार्स हम जो एकेडमिक फैकल्टीज़ हैं एडुकेटर्स हैं वो इस हॉस्टल के अंदर किया करेंगे। ठीक है, देन जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है उसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इवन मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ कि एक पर्सन डेडिकेटेडली आप लोग के लिए यहाँ पर इस कैंपस के अंदर अवेलेबल होगा जो आपकी हेल्प कर रहा होगा इतने एटलीस्ट छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर कि ग्रॉसरी आइटम्स भी अगर आपको मंगाने हैं तो आप एक लिस्ट बना के दे सकते हैं, हम आपको मिलाएंगे, तालिब जी से मिलवाएंगे। ठीक है, वो आपको जो है यहाँ पर होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म के अंदर भी जो है आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क चेक होगा कि क्या आप होमवर्क कर रहे हैं टाइम टू टाइम, आप एकेडमिक मेंटरशिप जो है एडुकेटर्स से टीचर्स से यहाँ पर ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है बच्चों हम आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मोटिवेशनल सेशंस जो है आप लोगों से लिया करेंगे। अदर देन दिस जो सबसे लास्ट मैंने आपको चीज़ बताई कि यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, जितने भी आपके ओलंपियाड एग्जामिनेशन है या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट जाएं, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो है हर चीज़ में आपको हेल्प की जाएगी। तो सर ये मेन फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा खैर हम लोग भी आप लोगों के साथ बच्चों यहाँ पर आया करेंगे, कुछ गेम्स खेला करेंगे, वो तो बिल्कुल 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 ठीक है। तो सर जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट के जो है प्लेयर हैं आपको पता है, ठीक है, एंड नेशनल लेवल पे जो है सर का नाम जाना जाता है इसके अंदर, तो वी विल बी देयर, हम लोग आपसे इंटरेक्ट किया करेंगे, यहाँ पर आया करेंगे, खेल कूद किया करेंगे, आप लोग के लिए जो है मैथ्स फैसिलिटी भी प्रॉपरली यहाँ पर अवेलेबल है, मैथ्स भी दिखाएंगे आपको ले जाके, एंड इसके अलावा एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर जो है हम आप लोग के लिए कुछ ऐसे जो गेम्स है, चेस हो गया, टीटी हो गया, कैरम हो गया,
ऐसी कुछ चीज़ें जो है आप वहाँ पर खेल पाएंगे और हम इंटरेक्शन के लिए वहाँ पर आप लोग के यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो सर ये सारी चीज़ें हैं जो इस हॉस्टल के अंदर जो है हमें यहाँ पर मिलने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि 35 से 40% जो आपका टाइमिंग है वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जो रिमेनिंग टाइमिंग है 65 to 70% जो है वो आप हॉस्टल में रहने वाले हो। अगर आपने उसको अच्छे से स्ट्रक्चर वे में नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोगों को समस्याएं होंगी, क्योंकि आपको पता है कोटा में लाखों बच्चे आते हैं, सिलेक्शन सिर्फ बच्चों हज़ारों का होता है। अगर जो बच्चा उस चीज़ को यूटिलाइज कर गया, उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चला गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा सर ने बताया होमवर्क चेकिंग के लिए तालिब सर है, तो आप लोग तालिब सर को अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। वो आप लोगों के लिए काफ़ी होमवर्क चेकिंग प्रोसेस वो 2 साल से कर रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म पर हम ऑलरेडी हैं उसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका जैसा सर ने बताया कि आपको सिर्फ हॉस्टल से कोचिंग जाना है, कोचिंग से हॉस्टल आना है, तीसरी जगह आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी फैसिलिटीज जो आपकी है वो आपको विद इन हॉस्टल ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आइदर स्पोर्ट्स हो, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा ओपन स्पेस है, अभी आपको हम हॉस्टल का टूर भी देंगे। इस स्पेस के अंदर आप बैडमिंटन है, टीटी है, कैरम है, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी होनी जरूरी भी है और बाई वीकली अपन क्रिकेट मैचेस वगैरह, फुटबॉल मैचेस वगैरह का जरूर अरेंजमेंट भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे सर आपने एक चीज़ बोली थी ना ओलंपियाड के बारे में, बच्चों मैं ओलंपियाड के बारे में फिर से एम्फसाइज करूँगा, बात ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डेट्स का ही पता नहीं चलता है कि कब ओलंपियाड का फॉर्म रिलीज़ हुआ, कब उसे फिल किया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके अंदर हम अटक के रह जाते हैं, उन सब चीज़ों का जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका कोई भी डेडलाइन यहाँ पर मिस नहीं होगा बच्चों। चलिए सर अब जो है बच्चों को थोड़ा सा जो है आगे के अंदर का टूर कराते हैं एंड बताते हैं कि हमारा हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या चीज़ें। लेट्स गो गाइस, चलिए हॉस्टल देखते हैं हम। हॉस्टल के अंदर एंटर करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं एंड इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की अटेंडेंस पूरी कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बायोमेट्रिक्स यहाँ पर हमने लगा रखी है, ये ऐप के थ्रू हर पेरेंट अपने बच्चे की अटेंडेंस देख पाएगा। सीसीटीवी से जो है कंप्लीट कवरेज हो जाता है एंड आपको ऑफिस एरिया के अंदर हम दिखाएंगे कि वहाँ पर भी जो है मॉनिटर इसे किया जा सकता है। एज यू कैन सी यहाँ पर जो है जितने भी सीसीटीवी कैमरा हॉस्टल के अंदर लगे हुए हैं, हर विंग्स की जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है। तो अगर किसी भी विंग के अंदर कुछ भी चीज़ होती है, कभी भी थेफ्ट होने का खतरा रहता है, तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड हियर। तो हॉस्टल जो है फुल्ली सिक्योर है उस केस के अंदर, आप बहुत निश्चिंत होके इंडिपेंडेंट होके यहाँ पर रह सकते हैं। वी हैव दिस फैसिलिटी 24/7 लिफ्ट फैसिलिटी, Spacious, well-ventilated, properly furnished single and double occupancy rooms with abundance of natural light. Separate bathrooms having 24/7 geyser facility. A proper dining space to enjoy daily meal. आई होप यू आर रियली एक्साइटेड विद दिस वर्चुअल टूर। तो बच्चों ये हमारे हॉस्टल का वर्चुअल टूर था आप लोग के लिए एंड अगर आप अपना सीट एंड अकोमोडेशन जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोग के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसे जल्दी से फिल करें। एंड इसके अलावा हॉस्टल का जो कम्प्लीट ब्रॉशर है एंड डिटेल्स है ये भी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप जैसे ही इसको फॉर्म को फिल करेंगे आपको हमारी तरफ से जो है टोटल सारे प्रॉपर कम्युनिकेशंस मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो बच्चों यही मैं बोलूँगा आप लोगों की हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि 2 साल से हम आप लोगों से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब आपके पास मौका है हमारे साथ यहाँ पे आके ऑफलाइन के अंदर साथ में रहने का, हमारी मेंटरशिप में रहने का, ठीक है। तो मिलते हैं, फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।